जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए माह के पहले और तीसरे शनिवार को सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। शनिवार को कोतवाली थाने पर एसपी सिटी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया, जिसमें आए 3 मामले प्रकाश में आए जिसका निस्तारण किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर कोतवाली घनश्याम तिवारी, जीडीए के अभियंता ए के सिंह, बिजली विभाग के जेई राम इकबाल, राजस्व निरीक्षक देश दीपक, लेखपाल कैलाश नाथ यादव मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। अच्छी तरह कब्जे ले लिया था हमारे प्रधान बात नहीं है। नहीं नहीं आपने रजिस्टर लिया था, उनसे आपने कब्जा ले लिया था क्या? मतलब बना बनाया मकान था जमीन है तो हमारा पत्मा जिला बगल वाले से वो रास्ते हमको रास्ते को बनाने लिया कल हमको मकान क्या तो उस मकान का रास्ता मानते हैं क्या वो? हम लोग को रास्ते कोई काम करो लेकिन हम लोग को मनमानी नहीं किया सामने वाला आपको कौन किसके बोलो आपका मेरा मकान है आपको मकान यार पहले आपको मकान जी मकान नहीं था जो रास्ता खाली काट अगर जो आपने खरीदा है यार ये खरीदा नहीं इस पर ये जो रास्ता खाया बोला थे उसका मकान रास्ता है नहीं नहीं ये कई रास्ता ही मात्र सर तिवारी सर तो आपको हम कहें सर रास्ता तुम्हारा किस चीज़ का केवल अपने जमीन कई बार इसको काम भी किया गया सर यहाँ तक तो धरा भी सफाई करते हैं तो उसी आदेश के सभी यहाँ भी नहीं कर सकते कोर्ट ने ही कोई आदेश पारित किया होगा उसी फाइल के आदेश पारित होगा उसी न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान करेगा लेकिन जिसकी जमीन है वहाँ निर्माण तो करेगा थाना समाधान दिवस के अंतर्गत आज थाना कोतवाली में कुल अभी तक 3 आवेदक प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें एक प्रकरण जमीन के विवाद का है और ये पुराना मामला है। इसको आज निस्तारित कराने के लिए टीम यहाँ से भेजी जाएगी और इसमें कुछ माननीय न्यायालय का आस्थगन आदेश भी है। इस टीम मौके पर जाके उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद ही निर्णय लेंगे। किस तरह के मामलों का समाधान किया जाता है थाना दिवस में? थाना समाधान दिवस में पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीमें, नगर निगम, GDA, विद्युत, मतलब इस तरह से एक संयुक्त प्लेटफार्म है जहाँ हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। और इस दिवस का उद्देश्य यह है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद उसका त्वरित समाधान कराने के लिए टीम मौके पर जाए और जिस विभाग के स्तर से जो भी कार्रवाई अपेक्षित हो वो कार्रवाई करते हुए उसका त्वरित समाधान कराए।